कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा को किसानों की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की लोकप्रियता से भाजपा डरे हुए हैं, इसलिए चुनाव नजदीक आते ही खुद को यूपी हारता देख चुनावी हथकंडा अपना रहे हैं। जो कल तक किसानों को आतंकवादी कहते थे, वो आज किसानों से माफी मांग रहे हैं। सपा सांसद ने इसे अहंकार पर सच्चाई की जीत बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की बदनसीबी है जो आज उनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। किसानों को प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा एमएसपी का है, जिस पर प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं बोले। धरने पर बैठे 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, उनके परिजनों के लिए मुआवजे की भी बात नहीं हो रही है। इलेक्शन सर पे है और इन्हें अपनी हकीकतों का मालूम हो चुका है। अखिलेश यादव जी की पॉपुलैरिटी से घबराए हुए हैं, इन्हें दिख रहा है कि यूपी इनके हाथ से निकल गया, तो ये आखिरी हथियारों की शक्ल में इसे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। कल तक तो ये आंदोलन जीवी हुआ करते थे, कल तक ये आतंकवादी हुआ करते थे, आज इनसे माफ़ी मांगी जा रही है। क्या सियासत का स्टेटस, सियासत की हैसियत इतनी नीचे आ चुकी है? जब पूरा हिंदुस्तान कह रहा था कि इसे वापस ले लो, उस वक्त तुम नहीं तैयार हुए, और यकीनी तौर पे आज सच्चाई की अहंकार के ऊपर जीत हुई है। बापू के पद चिन्हों पर चलते हुए किसानों ने अपने आंदोलन में कामयाबी हासिल करी है। मैं उनको सलाम करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। बदनसीबी की बात है ये हमारे प्रधानमंत्री के लिए कि आज इनकी विश्वसनीयता ख़त्म हो गई और आज किसान नेताओं को कहना पड़ रहा है कि हम कैसे भरोसा कर लें। जब तक सत्र में ये पास नहीं हो जाता, संसद में ये वापसी नहीं हो जाती, उसकी सारी टेक्निकल प्रॉब्लम दूर नहीं हो जाती, उस वक्त तक वो वापस नहीं जाने वाले। एमएसपी के सिलसिले में क्या कहा, एमएसपी के बारे में एक लफ्ज़ नहीं बोले। सबसे बड़ा मुद्दा तो एमएसपी का है। प्रधानमंत्री जी को चाहिए था कि एमएसपी के बारे में भी बताएं, उसके लिए भी कानून बनाएं और एमएसपी की गारंटी किसानों के लिए होनी चाहिए। किसान बर्बाद हो गया, फसलें बर्बाद हो गई, एमएसपी मिलता नहीं, डीजल आसमान पे पहुंच गया, चारों तरफ से किसान परेशान है, कोई सब्सिडी नहीं मिल रही अब किसान को। तो आखिर किसान कैसे अपनी दो वक्त की रोजी रोटी कमाएं? कुशल राजनीति की तरफ कदम है तो जिस वक्त ये कानून आ रहे थे वो विफल नाची राजनीति थी क्या? जब वो कानून लेके आ रहे थे, पीठ थपथपा रहे थे, और उस वक्त राजनीति कौन सी थी? विफल थी। आज कुशल हो गई। और एक बयान और भी तो दिया उन्होंने कि हमारे प्रधानमंत्री जी किसानों के हितैषी हैं, तो साल भर पहले हितैषी नहीं थे? कानून वापस करने के बाद हितैषी हुए हैं? जब कानून आए थे तो इसका मतलब क्रूअल थे, अत्याचारी थे किसानों के ऊपर, आज हितैषी हो गए, कानून वापस हो गए, तो उन्होंने तो खुद गोल कर लिया अपने ऊपर कि कानून ही ख़राब थे, ये गलत थे, अभी तक हम धोखा दे रहे थे लोगों को कि सही कानून है। एक साल से बैठे हुए हैं और उनके तकरीबन 700 लोग शहीद हो चुके हैं, महिलाएं भी शहीद हुई, उनके लिए कोई मुआवजे की बात नहीं की जा रही। अब जब इन्होंने देखा कि माहौल बिगड़ गया बिल्कुल, इनके विधायकों को, इनके सांसदों को लोग गांवों में घुसने नहीं दे रहे, दौड़ा दौड़ा रहे, कपड़े फाड़ रहे हैं, आप लोगों ने दिखाया है, तो इनकी समझ में आया कि अब ये काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ाएंगे। 15 लाख रुपए वाली बात या 2 करोड़ नौकरियों वाली बात किसान के पल्ले नहीं पड़ रही, ये बेवकूफ नहीं बन सकते। पहले तो हमने जनता को बना लिया था इस ये जुमले देखे, लेकिन अब नहीं बन सकते क्योंकि किसान की ज़मीन उसकी माँ हुआ करती है, वो अपनी ज़मीन को किसी के हवाले नहीं कर सकता, उसकी रोजी रोटी होती है, उसे बर्बाद करने की साजिशें थी इन कानूनों में। और चंद बड़े लोगों को, कॉरपोरेट हाउसेस को किसानों की ज़मीन देने की साजिश थी।